See program display power of all numbers for a given range. First of all, we are discussing what is mean by this program. What is mean by given range? Already we well know for about range of the numbers. Range means suppose that we are entering minimum range and maximum range. We are entering minimum range is 5 or something 3. Not only one, any numbers, any positive numbers, all operations are performed with respect to positive numbers. 7, we are entering maximum numbers. Maximum number means maximum, then we are entering something 10, like that. This is case mein agar is range ke basis par baat karein, toh range ke basis par generated numbers kya honge? First number is 3, range mein hum ise difference kitne ka generate karein only? 1 का 3 के बाद नेक्स्ट कमिंग नंबर क्या 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हियर 3 इज अ मिनिमम रेंज एंड 10 इज अ मैक्सिमम रेंज फर्स्ट थिंग्स नेक्स्ट वन इसके अलावा मींस फाइनली आपको एंटर क्या करना है वैल्यू ऑफ पावर मींस व्हिच पावर यू शुड रिक्वायर्ड पावर को मैं रिप्रेजेंट करूं एज अ पी सपोज दैट सभी नंबर्स के केस में अगर पावर आपको 2 रिक्वायर्ड है मींस अगर आपने p का वैल्यू 2 एंटर किया इसका मीन क्या 3 टू द पावर p 4 टू द पावर p 5 टू द पावर p 6 टू द पावर p अगर p का वैल्यू 2 है देन परफॉर्म क्या हुआ एवरी टाइम स्क्वायर 3 टू द पावर 2 4 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 लाइक दैट सपोज दैट इफ वैल्यू ऑफ p इज 4 देन इस केस में इसका मीन क्या हुआ 3 टू द पावर 4 4 टू द पावर 4 5 to the power 4, 6 to the power 4 and so on. Means finally, p के form में write करें, calculate क्या करना है? Power p with respect to every number for a given range. Like that, means separately display करना like, what is the power of 3 to the power 4? I think 81. What is the 4 to the power 4? 4, 16. 64, I think 256. Same as 5 to the power 4 is 5 multiply 5 is 25. 1 is I think 625. Whatever is jo bhi power se sare sare power is form mein display karana hai for a given range. This case mein sabse pehle power ko manage karne ke liye min aur max ke place par main use karunga variables as a A and B, then manage किसके through करा current case में? By using variables A, A is a minimum range and B is a maximum range. इस case में mandatory condition है, whereas A is less than of B. इस अगर मैंने enter किया number as 2, A is 2 and B is 7. A is 2 and B is 7. Next, इसके अलावा required क्या power? Power calculate करेंगे, separate variable use करेंगे जब P सपोज दैट p के केस में अगर मैंने एंटर किया है 3 देन सभी नंबर्स के लिए जनरेट क्या करना है इस केस में पावर इन द फॉर्म ऑफ 3 फॉर अ गिवन रेंज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 2 से लेकर 7 के केसेस में बात करें तो पॉसिबल रेंज क्या है इस केस में 2 3 4 5 6 एंड 7 परफॉर्म क्या कराना 2 द पावर p 3 टू द पावर p डिस्प्ले कराना नथिंग एल्स In that case, p का वैल्यू अगर एंटर किया 3, then 2 the power 3, 3 the power 3, 4 2 the power 3, 5 2 the power 3, 3, 3 and so on, whatever. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो सम इटरेटिव वेरिएबल i, by using which we are going to managing this loop, like that. ये लूप कहाँ से कहाँ तक मैनेज करना है from a to इस फाइनली परफॉर्म क्या हो रहा है a फर्स्ट वन a टू द पावर p नेक्स्ट टाइम क्या a प्लस 1 टू द पावर p नेक्स्ट टाइम इज a प्लस 2 टू द पावर p एंड अप टू b टू द पावर p सबसे पहले इस केस में रीड डाउन क्या करेंगे वैल्यू ऑफ a एंड b एंड p प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस वन थिंग्स वॉइड मैन providing variable declarations in that case we are declaring variable as ab then p comma i p comma i
जनरली देखा जाए इस केस में टोटल टू लूप्स मैनेज करेंगे, टू लूप्स के रिस्पेक्ट में एक और एक्स्ट्रा वैल्यू रिक्वायर्ड होगा जी। टू लूप्स क्या रिक्वायर्ड होंगे जस्ट अभी डिस्कस करेंगे। इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीडिंग इनपुट्स, इनपुट्स क्या रीड डाउन करना है इस केस में, पोर्ट्स एंटर वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा पी, वेयर ए इज अ मिनिमम रेंज एंड बी इज अ मैक्सिमम रेंज एंड पी इज अ गिवन रिक्वायर्ड पावर व्हिच यू वांट टू कैलकुलेट फॉर एवरी नंबर्स। स्कैन एफ परसेंट डी परसेंट डी, आप चाहो तो तीनों इनपुट सेपरेटली भी रीड डाउन कर सकते हो, मैंने करेंटली इनको सभी केसेस में सभी ऑल वैल्यू सिंगल स्कैन एफ के थ्रू रीड डाउन करो, एंड एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी एड्रेस ऑफ पी, इस ऑल इनपुट सपोज दैट स्कैन एफ के अकॉर्डिंग थ्री इनपुट एंटर इन लाइक दैट। लाइक वाइज नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिक्वायर्ड ऑपरेशन क्या है, इस किसी भी नंबर का अगर पावर कैलकुलेट करना है, पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ऑलरेडी राइट डाउन किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर टू दी पावर थ्री कैलकुलेट करना है, देन राइट डाउन क्या करें, टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू। सेम एज थ्री टू दी पावर थ्री कैलकुलेट करना, राइट डाउन क्या करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री। पावर के लॉजिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था, पावर का जब मैंने एप्लीकेशन शुरू किया था एवरी टाइम इनिशियली मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, वन से, क्योंकि किसी नंबर में वन से मल्टीप्लाई करने पर इससे नंबर में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, उसे वन मैनेज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल रिजल्ट्स। सेम नेक्स्ट टाइम अगर थ्री फोर का पावर रिक्वायर्ड यूज क्या करेंगे, फोर टू दी पावर, इस केस में वन को इग्नोर करोगे, फोर टू दी फोर मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई फोर। सेम एज फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई इस वन मल्टीप्लाई बाई फाइव फाइव फाइव, मीन्स थ्री टाइम्स बिकॉज ऑफ पावर इज थ्री। नेक्स्ट वन सिक्स, सिक्स के केस में लॉजिक क्या है, सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स। सेवन के केस में लॉजिक क्या रहेगा, सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन, लाइक दैट। इस केस में देखा है तो डेटा किस फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम्स के केस में जब भी आपको लूप्स को इटरेट करना है, इस केस में ऑलवेज टू लूप्स रिक्वायर्ड होंगे। मीन्स इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लूप्स कितने दे रहा है, टू लूप्स इस केस में। लेकिन दोनों ही लूप्स रिक्वायर्ड किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड फॉर्मेट, नेस्टेड फॉर्मेट लाइक दैट। फर्स्ट वन सम लूप फॉर अ गिवन रेंज, देन इनसाइड दैट अगेन वी आर मैनेजिंग अनदर लूप फॉर रिक्वायर्ड रेंज लाइक दैट। इस टाइप से लूप्स किस फॉर्म में रिक्वायर्ड, इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड फॉर्मेट। इस केस में फर्स्ट लूप को नेम देंगे एज अ आउटर लूप एंड नेक्स्ट सेकेंड लूप को नेम प्रोवाइड करेंगे एज अ इनर लूप लाइक दैट, आउटर एंड इनर लूप्स। इस केस में टोटली टू लूप्स रिक्वायर्ड है। अब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना मीन्स कौन सा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करना, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है इस केस में ओनली कॉन्सेंट्रेट करना दैट फील्ड्स दैट वन। देखा है तो डेटा किस फॉर्म में सो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो आउटर लूप को ऑलवेज मैनेज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रोज, मीन्स आउटर लूप टोटली कितनी बार इटरेट करना डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ रो, एंड इनर लूप, इनर लूप कितनी बार इटरेट करेंगे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ अवेलेबल कॉलम्स। इन दैट केस जैसे इस करंट केस में रोज की बात करें, नंबर ऑफ रो कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल नंबर ऑफ रो कितने, सिक्स। तो आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ इस केस में, सिक्स टाइम्स। नेक्स्ट वन इनर लूप, इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स आर वन टू थ्री, कॉलम्स कितने इस केस में थ्री, तो इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करें, थ्री टाइम्स। ये सेम लॉजिक अगेन पैटर्न बेस्ड एग्जांपल्स में अगेन डिस्कस करूंगा, यू ओनली बेसिक्स प्रोवाइड करो। इन दैट केस अगर इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, परफॉर्म किया इस केस में एवरी टाइम, इसे जो टू थ्री फोर है किसके थ्रू मैंने जो आउटर लूप के थ्रू, लेकिन मल्टीप्लाई कितनी बार कराना टू का या थ्री का डिपेंड्स अपॉन इनर लूप। एवरी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार कराना, थ्री टाइम्स, इसलिए इनर लूप एवरी टाइम कितनी बार एग्जीक्यूट करें, थ्री टाइम्स लाइक दैट। वन मोर थिंग्स, जब भी आपको नेस्टेड फॉर्म में किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट डिस्कस करना है या आउटपुट शो करना है इस केस में, वन मोर थिंग क्लियर हो चुका है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लूप्स कितने हैं, टू आउटर और इनर। तो सबसे पहले इस केस में आप मेंटेन क्या करोगे,
दोनों लूप्स इंडिपेंडेंटली राइट कर सकते हो। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट इनर लूप। सपोज दैट अब इस प्रॉब्लम को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम करके चलता हूँ करंटली मुझे मैनेज क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, फैक्टोरियल ऑफ सॉरी पावर ऑफ फर्स्ट टाइम पावर किसका रिक्वायर्ड है टू का टू द पावर पी, नेक्स्ट टाइम पावर किसका रिक्वायर्ड होगा थ्री टू द पावर पी, नेक्स्ट टाइम पावर किसका रिक्वायर्ड है फोर टू द पावर पी एंड सो ऑन। तो इस केस में जिस नंबर का पावर रिक्वायर्ड है उस नंबर को या वैल्यू को अगर मैं किसी वेरिएबल में असाइन करता हूँ लाइक नंबर इक्वल्स टू टू एंड आपके पास पी ऑलरेडी अवेलेबल है, इस केस में एक और वैल्यू अगर क्रिएट करते हैं लाइक नंबर लाइक दैट, नंबर के केस में फर्स्ट टाइम अगर आपको टू का पावर कैलकुलेट करना है नंबर में क्या असाइन करा लोगे टू, अगर थ्री का पावर कैलकुलेट करना है नंबर में क्या असाइन करा लेंगे थ्री। सपोज दैट अगर नंबर क्या है टू एंड बी आपका ऑलरेडी गिवन है ओनली बाय अजम्पशंस, बी ऑलरेडी असाइन है उसका कीवर्ड के थ्रू। सपोज दैट अगर रन टाइम पर बी का वैल्यू एंटर किया है जाए थ्री, तो इस केस में पावर कितना कैलकुलेट करना है मे बी थ्री और मे बी फोर लाइक दैट। देन ऑलरेडी जब पावर का मैंने लॉजिक डिस्कस किया था तो उस केस में राइट डाउन किया था जैसे इसका मीनिंग क्या है, नंबर क्या है टू, टू दी पावर फोर मीन्स मैं इस केस में कैलकुलेट क्या कराना है टू दी पावर फोर, टू दी पावर फोर को कैलकुलेट करने के लिए टू का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार होगा फोर टाइम्स, टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू प्लस ये लूप कितनी बार चलाना है फोर टाइम्स। तो फाइनली इस केस में लूप को मैनेज करेंगे बाई यूजिंग सम लॉजिक्स फोर, लूप कितनी बार चलाना है वन टू फोर। सपोज दैट वी आर हैविंग सम वेरिएबल जे इक्वल्स टू वन, कब तक चलाना इसको जब तक जे का वैल्यू क्या है जे इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, वी आर फोर इज अ मीन्स फोर क्या इसके इसमें पावर मीन्स फोर के प्लेस पर यूज क्या कर लेंगे पी, अगर पी का वैल्यू फोर है देन फोर टाइम, पी का वैल्यू थ्री है देन थ्री टाइम, पी का वैल्यू फाइव है देन फाइव टाइम। अगर आपको इस केस में कन्फ्यूजन हो रहा है देन इससे जस्ट पहले आप वॉच करोगे प्रीवियस प्रोग्राम जी वी आर डिस्कसिंग बिगिनिंग ऑफ द लूप्स और बिगिनिंग सेशन प्रीवियस सेशन ऑफ द लूप्स हाउ टू डिस्प्लेइंग पावर ऑफ गिवन नंबर्स नेक्स्ट वन, इससे फाइनली वैल्यू जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग्स क्या था इसके अंदर, सिंपली पावर्स को कैलकुलेट करेंगे किसी सम अदर वेरिएबल में जिसके थ्रू हमेशा स्टोर क्या कराएंगे रिजल्ट ऑफ दिस नंबर। तो रिजल्ट के केस में एक सेपरेट वैल्यू में एज्यूम कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं समथिंग रिजल्ट विद इनिशियल वैल्यू वन। रिजल्ट के केस में इनिशियलाइजेशन किससे होना चाहिए रिजल्ट इक्वल्स टू वन। नेक्स्ट एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराएंगे रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट में मल्टीप्लाई कैसे करना है उस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिस नंबर का पावर कैलकुलेट करना है मीन्स पावर किसका कैलकुलेट करें फर्स्ट टाइम नंबर में टू असाइन हुआ है इसलिए टू से मीन्स इस प्लेस पर क्या जाएगा नंबर। चेक करते हैं इस लॉजिक से पावर कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और केवल इस नंबर की किस बात करें अगर टू असाइन करें दें पावर किसका कैलकुलेट होगा टू दी पावर फोर। सपोज दैट अगर नंबर का वैल्यू मैंने थ्री असाइन किया देन इस केस में कैलकुलेट किया होगा थ्री टू दी पावर फोर। हाउ चेक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या है वन, नंबर का वैल्यू क्या है सपोज दैट लाइक थ्री वी आर एंटरिंग एज थ्री, पी का वैल्यू क्या है समथिंग थ्री। अभी ए बी और रेंज को छोड़ दूँ मैं केवल पर्टिकुलर नंबर के केस में बात कर रहा हूँ, इससे कैलकुलेट क्या हुआ पावर ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर इस केस में क्या है थ्री देन पावर किसका कैलकुलेट हुआ थ्री का, अगर थ्री के प्लेस पर फाइव होता देन पावर किसका कैलकुलेट होता फाइव का। फर्स्ट टाइम फाइनली लूप कितनी बार चला वन टू द पावर फोर मीन्स फोर टाइम्स, फोर टाइम्स चलेगा तो फर्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ इससे रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई नंबर, रिजल्ट का वैल्यू क्या है वन मल्टीप्लाई बाई नंबर, नंबर क्या है इस केस में थ्री देन फर्स्ट टाइम रिजल्ट में आसानी का हो जाए वन मल्टीप्लाई बाई थ्री रिजल्ट इज थ्री। नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से ओल्ड वैल्यू रिजल्ट का ओल्ड वैल्यू क्या है थ्री, इस ओल्ड वैल्यू में मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है मल्टीप्लाई बाई ओल्ड वैल्यू ऑफ द रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई नंबर, नंबर अगेन क्या है थ्री क्या है इस केस में रिजल्ट इज नाइन, रिजल्ट नाइन आने के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम अगेन इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे अगेन थ्री से रिजल्ट इज 27। नेक्स्ट टाइम अगेन इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे थ्री से रिजल्ट इज 81। चेक करो इस केस में लूप कितनी बार चलाना था ओनली फोर टाइम्स वन टू थ्री फोर, फोर मीन्स जब फोर्थ टाइम लूप चलेगा जे मीन्स कंडीशन फॉल्स हो जाए उसके जस्ट पहले रिजल्ट में क्या आसान हो चुका है 81। लूप के जस्ट बाहर डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ रिजल्ट मीन्स फाइनली इस लॉजिक से कैलकुलेट क्या हुआ पावर ऑफ गिवन नंबर, देन डिस्प्ले क्या कराएंगे प्रिंट एफ रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स परसेंट डी कॉमा
वैल्यू ऑफ रिजल्ट। इससे अगर करेंट लॉजिक्स के केस में बात करें, इस लॉजिक्स के केस में अगर इस लॉजिक किस नंबर का पावर कैलकुलेट करेगा, डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ नंबर। अगर नंबर का वैल्यू 5 एंटर किया देन पावर भी किसका कैलकुलेट होगा एवरी टाइम 5, क्योंकि नंबर के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 5। अगर नंबर के प्लेस पर 10 एंटर किया देन 10। लेकिन अगर सीरीज के केस में बात करें फॉर्म ए टू बी, ए के केस में वैल्यू कंसिडर किया 2, बी के केस में वैल्यू कंसिडर किया 7, तो रेंज क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। फर्स्ट टाइम सपोज दैट जो भी नंबर है 2, इस रेंज के लिए एक लूप मैनेज कर लेंगे। फर्स्ट टाइम इसमें सप्लाई क्या कर देंगे 2, नेक्स्ट टाइम सप्लाई क्या करेंगे 2 के, मीन्स जब 2 सप्लाई करोगे तो इस केस में जब लॉजिक एग्जीक्यूट होगा पावर किसका डिस्प्ले होगा से 2 का। नेक्स्ट टाइम क्या पास करेंगे इस केस में 3, इसलिए पावर किसका डिस्प्ले होगा सेम लॉजिक से 3 का, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम सप्लाई क्या करेंगे 4, पावर भी किसका कैलकुलेट हो रहा है से 4 का। सेम एज नेक्स्ट टाइम 5 सप्लाई करेंगे तो पावर किसका कैलकुलेट हुआ से 5 का। नेक्स्ट टाइम 6 सप्लाई करेंगे, 6 के इसमें पावर किसका सप्लाई हो रहा है 6 का। नेक्स्ट टाइम फाइनली सप्लाई क्या करेंगे 7, देन पावर भी किसका कैलकुलेट हुआ 7 का। नेक्स्ट वन, लेकिन P ऑलरेडी कीवर्ड्स रीड कर चुके इसलिए P की जरूरत नहीं बार बार सप्लाई करने की। ओनली असाइनमेंट किसमें नंबर रियल्ट एवरी टाइम किससे असाइन हुआ 1 से। नेक्स्ट टाइम 7 सप्लाई करने के बाद जब फाइनली सारे इटरेशन परफॉर्म हुए, नेक्स्ट वैल्यू क्या असाइन जनरेट हो रहा है 8, और 8 के केस में कंडीशन आफ्टर लूप के केस में फॉल्स करा देंगे। तो फाइनली इस केस में लॉजिक क्या, नंबर इक्वल्स टू समथिंग, और नंबर के केस में एवरी टाइम असाइन किया कराने की वैल्यू बाद में शो करूंगा सेम एज एवरी टाइम रिजल्ट में भी कैसा होगा रिजल्ट इक्वल्स टू 1। सिंपली फाइनली अब मैनेज क्या करना है, इस पावर को कैलकुलेट करने का लॉजिक ऑलरेडी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ दैट स्टेटमेंट। सिंपली अब मैनेज क्या करना है, सम लूप, ये लूप स्टार्टिंग कहाँ से कराना, फ्रॉम ए। तो इस केस में लूप को राइट डाउन करने के लिए यूज क्या करेंगे 4 आई इक्वल्स टू ए, कब तक चलाना है अप टू बी, वैल्यू ऑफ बी आई लेस देन इक्वल्स टू बी प्लस एवरी टाइम डिफरेंस कितने का है 1 का आई प्लस प्लस। नेक्स्ट टाइम रिमूव दिस, मीन्स दिस वन बिकम्स आउटर लूप एंड रिमेनिंग पार्ट बिकम्स इनर लूप। मीन्स जो पावर को कैलकुलेट करने का एक्चुअल लॉजिक्स राइट किया था आपको, पावर कब तक, मीन्स सिंगल नंबर का पावर रिक्वायर्ड है, रेंज के लिए रिक्वायर्ड है, रेंज के लिए। तो लॉजिक भी किसके लिए मैनेज होगा, रेंज के लिए। देन क्लोज दिस आउटर लूप, क्लोज दिस मेन फंक्शंस। इस लॉजिक्स के थ्रू किसी भी रेंज के लिए पावर कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अब इस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, आप श्योर हो इस केस में, आई के केस में जब आउटर लूप चलेगा दैट वन, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है इस केस में, फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ आई इज ए, ए मीन्स सपोज दैट अकॉर्डिंग टू डायग्राम इज 2। तो अगर फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 2, तो इस केस में असाइन क्या कर रहे हैं, नंबर इक्वल्स टू आई, तो नंबर के प्लेस आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा फर्स्ट टाइम 2। इसलिए जब इनर लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, इनर लॉजिक्स के अकॉर्डिंग पावर किसका कैलकुलेट हो रहा है 2 का, 2 का पावर डिस्प्ले हो जाएगा 2 द पावर पी, पी का वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है समथिंग 4, वाट एवर मीन्स 2 द पावर 4 क्या आएगा 16। नेक्स्ट टाइम जब इनर लूप एग्जीक्यूट रिजल्ट डिस्प्ले होने का, कंट्रोल का सेंड होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाए 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू बी, सॉरी। नेक्स्ट टाइम नंबर में क्या असाइन होगा आई के प्लेसेस पर, आई का वैल्यू 3, इसलिए नेक्स्ट टाइम अगेन सेम लूप एग्जीक्यूट हो तो उससे पावर किसका डिस्प्ले होगा 3 का। सेम है नेक्स्ट टाइम आउटर लूप चलेगा तो अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, इसलिए पावर भी किसका कैलकुलेट हो 4 का। इस टाइप से किसी भी रेंज के लिए पावर डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। फाइनली इस टाइप से जब भी रेंज बेस्ड ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे, इन ऑपरेशंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहले सिंगल नंबर के लिए सिंगल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेपरेटली लॉजिक्स राइट डाउन करेंगे, देन उसके बाद लॉजिक एक सेपरेट एक्स्ट्रा लॉजिक मैनेज करें फॉर अ गिवन रिक्वायर्ड रेंज। रिक्वायर्ड रेंज के लिए लूप कहाँ से चलाना है, फ्रॉम 1 ए टू बी। नेक्स्ट वन आउट ऑफ मीन ए टू बी रेंज के लिए लूप मैनेज करने का जो भी सिंगल नंबर को कैलकुलेट करने का लॉजिक था, सेम लॉजिक पुट डाउन करें इनसाइड बॉडी ऑफ आउटर लूप, कंप्लीट लॉजिक विदाउट एनी चेंजेस। ओनली जिस नंबर के रिस्पेक्ट में ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है, उस नंबर के केसेस में एवरी टाइम असाइन किया कराओ वैल्यू ऑफ वैल्यू जनरेटेड बाय आउटर लूप, और आउटर लूप का वैल्यू आई के फॉर्म में जनरेट हो रहा है, इसलिए एवरी टाइम नंबर को इनिशलाइज किससे करेंगे आई से। मीन्स लॉजिक्स के थ्रू किसी भी नंबर का पावर एनी नंबर ऑफ किसी भी गिवन रेंज के लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल है। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जस्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम।